how i कन्वर्टेड दिस into this दिस दिस smart ट्रांसफॉर्मेशन is डन विदाउट एनी सीजर्स विदाउट एनी sew आई हैव ordered दिस शर्ट इन मीडियम साइज बट कहीं से भी मीडियम लग नहीं रही है एक तो मुझे बहुत ज़्यादा लूज है और एक बहुत ज़्यादा लंबी है तो सबसे पहले इसके आम होल में जहाँ पे आपके स्लीव का एंड होता है आर्म होल में वहाँ पर एक मार्किंग कीजिए उसके तीन इंच नीचे एग्जैक्ट आपकी एम्पायर लाइन आ जाएगी और उसके डेढ़ या दो इंच 1.5 या टू इंच नीचे आपकी वेस्ट लाइन अराउंड इसी के आसपास आपकी वेस्ट लाइन रहेगी यहाँ पे आपको दोनों साइड्स पे सेफ्टी पिन को फिक्स करना है सेफ्टी पिन को कुछ इस तरह से फिक्स करना कि उसका नीचे वाला एंड और टॉप एंड दोनों के दोनों पूरे के पूरे टी शर्ट के अंदर सकिन हो जाए सो दैट आपका सेफ्टी पिन बाहर की तरफ झांके नहीं अब ये दोनों सेफ्टी पिन में से आपको एक थ्रेड या कोई रिबन आप या कोई स्ट्रिंग इसमें से निकाल सकते हो और उसको अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंगली आप टाई कर सकते हैं और मज़े की बात ये है कि ये ट्रिक सिर्फ टी शर्ट्स के लिए नहीं आपके सूट्स के लिए भी उतना ही काम करेगी अब देखो ये कुछ शेप में दिखाई दे रही है बट फिर भी मेरे लिए ये उतनी अच्छी नहीं जा रही है बिकॉज मेरे हिसाब से इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है लेंथ का प्रपोर्शन ना एक्चुअली वेस्ट के अराउंड होना चाहिए तभी वो आपकी एक स्मार्ट लुक क्रिएट कर सकती है अगर आपकी वेस्ट लाइन से लंबी है तो उस टी शर्ट की आइडली कुर्ते जैसी आउटलाइन होनी चाहिए अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार इतनी इसमें एफर्ट्स डालने से अच्छा होता कि आप इसको रिटर्न कर देते या एक्सचेंज कर लेते वो पॉसिबल नहीं था यार नॉन रिटर्नेबल था ये प्रोडक्ट सो अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा इसकी लेंथ और वेट को कम करने के लिए तो मुझे ये वाला तरीका सबसे अच्छा लगा नेक को ना सेंटर में मार्क कर लीजिए और उसके बाद अपनी एंपायर लाइन पे एक मार्किंग ले लीजिए फिंगर रख के थोड़ा सा रफ आइडिया ले लीजिए उसके बाद जो आपका फ्रंट पोर्शन है सही वाली साइड जो आप पहनते हो वहाँ पे ये अंदर की तरफ से बैंगल को डाल लीजिए और बैक साइड से उसके बैंगल को एक रबर बैंड के साथ फिक्स कर दीजिए कुछ इस तरह से जैसे मैं इस वीडियो में करके बता रही हूँ ये आपको अभी देखने में हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे बट इट इज़ रियली वेरी वेरी सिंपल आप एक बार करोगे ना उसी में आपका ये परफेक्ट सेट हो जाएगा और इसके साथ ना आपकी जो प्लेन टी शर्ट है या कोई अगर आपकी प्लेन ड्रेस है उसको भी आप चैसअअप कर सकते हो काफ़ी स्मार्ट लगती है वो अब नीचे की लंबाई कम करने के लिए देखो जो टी शर्ट होती है नीचे से फोल्ड होती है ना उसमें मैं क्या कर रही हूँ उसमें ये मैंने एक वूल का थ्रेड लिया है और इस बिकॉज़ वूल जो है ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है टूटती नहीं है तो वूल का थ्रेड लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे नॉट लगा दिया है एक साइड में जो हमारी टी शर्ट की सिलाई है ना उस साइड में एक नॉट लगा दिया है अब इस थ्रेड को दोनों साइड में फ्रंट और बैक में जो नीचे इसका टी शर्ट का फोल्ड है उसमें से हम निकाल देंगे जैसे हम सिंपली uh, कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं किसी भी पजामा के अंदर से एग्जैक्टली लाइक दैट या फिर किसी बैग के अंदर जो स्ट्रिंग बैग्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रिंग लगे होते हैं ना जहाँ पे फोल्ड होता है एग्जैक्टली लाइक दैट आप अपनी टी शर्ट में से ऐसे ही स्ट्रिंग को पास कर लीजिए टू मेक दिस जॉब लिटिल सिंपलर यू कैन टाई योर थ्रेड बिहाइंड एनी सेफ्टी पिन और बॉबी पिन और एनी बिगर नीडल्स सो दैट इट पासज थ्रू वेरी क्विकली ये ट्रिक ना इतने अच्छे से काम करती है कि कभी कभी तो मैं कुछ इस तरह से अपने हस्बैंड की जो बड़ी बड़ी स्वेट शर्ट होती है ना उनकी ओवर साइज होती है मेरे लिए उसकी वेस्ट को कुछ इस तरह से टाइटन कर लेती हूँ नीचे से और उसके बाद उसको मैं बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट कर पाती हूँ आप ये वाली ट्रिक अपनी लूज टी शर्ट्स में स्वेट शर्ट्स में बड़े वाले साइज़ के जो स्वेटर्स होते हैं ना उसमें भी आप ये बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट ये वर्क करती है और इस ट्रिक में कोई भी मैल फंक्शनिंग होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है बस आपको ये ड्रॉ स्ट्रिंग थोड़ी सी मजबूत वाली लेनी है दैट इज़ ऑल और अब ये दोनों साइड आगे और पीछे दोनों साइड्स मैंने यहाँ पे थ्रेड डाल दिया है और इसके बाद अब मैं इसको पुल करके अपनी वेस्ट के हिसाब से टाइटन कर लूँगी एज मच एज आई नीड चलो अब जल्दी से ट्राई करके देखती हूँ आई थिंक ये पहनने के बाद भी काफ़ी स्मार्ट लग रही है और अब इसको वेस्ट पे टाइटन करके अपने अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ एडजस्ट करने के बाद मुझे लगता है वी हैव ट्रांसफॉर्म दैट टॉप इनटू अ प्रॉपर क्रॉप टॉप और द वे आई वांटेड इट अब आपका दिमाग दौड़ रहा ना कि आपके हस्बैंड की या डैड की या ब्रदर की ड्रॉड में कौन कौन सी ऐसी टी शर्ट्स पर है जिनको आप शॉर्टन कर सकते हो और उसके बाद आप इसको पहन सकते हो कुछ इस तरह से आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना बिकॉज आई कीप ऑन शेयर such quick fashion ideas on my channel and i really would love to see you again on this channel see you in the next video till then take care bye